हाय व्यूअर्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम गेम खेलने जा रहे हैं द मैन फ्रॉम अंकल विशन बर्लिन, जो कि स्टोरी लाइन बेस्ड गेम है और एक्शन पैक्ड है बिल्कुल। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो दो कैरेक्टर्स हैं इसमें, दोनों की अलग अलग स्टोरी लाइन है पर कनेक्टेड हैं। तो हम एलिया क्विडिकिन को खेलते हैं। लोडिंग हो रही है। तो शायद किसी स्टोरी लाइन किसी फिल्म पर बेस्ड है, शायद जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा था, किसी फिल्म पर बेस्ड है। बर्लिन 1962 पुरानी स्टोरी है पूरी गेम की। देखते हैं। हवलदार, इनकी ड्रेस काफी फनी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका डॉट कितना छोटा सा है। कलेक्टर से भागता ज्यादा है। चलिए झुक के जाते हैं। अब करना क्या है मेरे को, गाड़ी चुरानी है क्या? हाँ, शायद 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 गाड़ी चुरानी है इनकी। चलिए इनकी गाड़ी चुराते हैं जल्दी से। बटन आ गया, जल्दी भागो भागो भागो। मेरी ड्राइविंग इतनी अच्छी नहीं है, पता नहीं चला पाऊंगा कि नहीं। और ठुक गई मेरी गाड़ी, मुझे पता था मेरी ड्राइविंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसमें गाड़ी मुड़ती थोड़ी लेट है और स्टीयरिंग भी कंट्रोल में नहीं आ रहा इतना। अरे अब ये आ गई, मैं निकलूँ कहाँ से यार। तो चलिए चलते हैं चलते हैं चलते हैं। ओ नो 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 नो। तो इस पार्किंग में हमें गाड़ी खड़ी करनी है अपनी। तो चलिए अब पहुंचते हैं इस जगह पे। मिशन कंप्लीट, लेवल 1 पूरा हो गया, लेवल 2 भी पूरा हो गया सिर्फ एक मिशन से। अजीब चीज़ है। तो इसमें प्लेयर को अपग्रेड भी कर सकते हैं, ये भी चीज़ अच्छी है। ये बैठा ही रहेगा। तो चलिए अब थोड़ा शहर घूम के देखता हूँ एक बार में। बहुत ज़्यादा पुराने टाइम की स्टोरी है, लेकिन पुराने टाइम्स की स्टोरी में भी खेलने में भी मज़ा आता है, ऐसी बात नहीं है। और ये लैग कर रहा है क्या? नहीं, वो गन, इसमें गन भी है। अरे मैंने गन ली नहीं क्या? पता नहीं। ये पार्क भी काफी ऐसा है, बहुत भूलभुलैया जैसा। इसमें घूमने का कुछ फायदा नहीं है, हर जगह ऐसा लग रहा है पता नहीं किसी ने धुआं ही धुआं बम फोड़ दिया हो किसी ने।
और ये एग्जिट है यहाँ का। ये पेड़ों के पास जाओ तो लैग क्यों कर रहा है। तो दोस्तों अभी इस गेम को मैंने नया नया स्टार्ट किया है, तो अब अगला पार्ट इसका हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, तो ओके बाय।